हेलो बच्चों, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ 13 फूल, आपके हिंदी का चैप्टर। हम प्रकृति में कुछ अनोखी चीज़ें देखते हैं जिन्हें देखकर हमारे मन में तरह तरह के सवाल उठते हैं। जैसे दिन में तारे, चांद तारे कहाँ चले जाते हैं, बारिश कैसे होती है, बादलों में पानी कहाँ से आता है, पेड़ पर पत्तियाँ और फूल कहाँ से आते हैं। इसी तरह का कुछ सवाल एक बच्चा माली से पूछ रहा है और उसी पर ये कविता आधारित है। तो हम पढ़ना शुरू करते हैं। कल तक जो थी डाली खाली, आज भरी फूलों से कैसे, तू ही भला बता दे माली, ये सब कुछ होता है कैसे। तो एक बच्चा माली से क्या पूछ रहा है कि जो डाली कल तक खाली थी, डाली यानी पेड़ों पर जो शाखाएं निकली होती हैं उन्हें डाली कहते हैं। तो माली से पूछ रहा है कि वो डाली कैसे भर गई है और ये सब कुछ कैसे होता है। तरु के ही भीतर से भैया होता है फूलों का आना, कौन कहाँ मुंह ढा के सोता, कौन जानता पता ठिकाना। यानी फूलों का आना कहाँ से होता है, तरु के भीतर से। तरु का अर्थ होता है पेड़ या वृक्ष। तो माली क्या बता रहा है कि तरु के भीतर से ही फूलों का आना होता है, और कहाँ ये मुंह ढाके सोते रहते हैं और कौन इनका पता ठिकाना जानता है, ये बच्चा पूछ रहा है। रहते हैं कोने में दुबके, कान खड़े रहते हो जैसे, हवा बुलाती चुपके चुपके, उसको सुन लेते हैं कैसे। तो माली कहता है कि कहीं पेड़ के कोने में ये दुबके रहते हैं, जैसे इनके कान खड़े हो और हवा चुपके चुपके इनको बुलाती है और उसको कैसे सुन लेते हैं। फिर तो देर ना कर पाए, मुंह धोकर सजधज रंग पहनकर अनगिन भीतर से आ जाते बाहर। फिर इनको देर नहीं लगती और जल्दी जल्दी ये मुंह धोकर सज धज कर रंग पहनकर, यानी कई रंगों में अनगिन, जिनको हम गिन नहीं सकते, इतनी गिनतियों में ये बाहर आ जाते हैं, भीतर से यानी अंदर से बाहर आ जाते हैं। बाहर आते मधु बरसाते, तितली आते भौरे गाते, सबको हंस हंस गले लगाते, धरती को सुवास दे जाते। यानी बाहर आते हैं और मधु बरसाते हैं। मधु क्या होता है, शहद या रस, क्योंकि इन्हीं फूलों से इकट्ठा करके मधुमक्खियां मधु या शहद बनाती हैं, इसलिए इसमें कहा गया है कि बाहर आते हैं और मधु बरसाते हैं। तितली आती भंवरे गाते, और जब ये फूल खिल जाते हैं तो इन पे तितलियां आती हैं और भंवरे गाना गाते हैं, सबको हंस हंस गले लगाते और धरती को सुवास दे जाते। और सुवास का अर्थ होता है अच्छी खुशबू, महक, यानी धरती को ये अच्छी खुशबू या महक दे जाते हैं। ये कविता लिखी गई है रविंद्रनाथ ठाकुर जी के द्वारा। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।